हिद्दते हृदयग्रंथि छिद्दन्ते सर्व संशय खियन्ते च स्वकर्माणि दृष्टाने वात्मनेश्वरे। सिसिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने अपना प्राकृत शरीर छोड़ने का पहले बड़े दुख भरी आवेदन किए, प्रार्थना किए, क्षमा याचना किए कि मैं जिंदगी भर अप्राकृत जगत की वास्तव सत्य कथा कीर्तन किए, सब आदमी को वास्तव हरिभजन में लगाने के लिए मैं इतना निष्ठुर वास्तव सत्य कथा को बोले हैं कि सारे आदमी हमारा खिलाफ हो गए, कोई समझे नहीं, हमारा अंदर में कोरोना है ये समझे नहीं। श्रील प्रभुपाद जी ने बताएं अगर इनका तकदीर अच्छा है, किसी भी दिन धक्का खाने का बाद कभी समझेगा जे ये महात्मा जगत में नहीं है, जगत से चला गया है, ये सब जो बातें करते थे इसमें कुछ मिलावटी नहीं था। वास्तव सत्य प्रवचन जगत का ज़्यादातर आदमी ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। परम पूज्यवाद श्री श्रील केशव गोस्वामी महाराज जी मेरा ही गुरुवर्ग है, ये गौड़ीय संप्रदाय के एक जाने माने सिद्धांत वेदांती, बड़ा आश्चर्य किस्म का संत महात्मा थे। श्रील प्रभुपाद जी का पूर्ण कृपा जिसका हृदय में प्रकटित होते थे, जिसका जिंदगी में प्रभुपाद जी का पूर्ण कृपा प्रकटित हुआ। एक दफे गौड़ीय वेदांत समिति से बहुत सारे भक्त लोग प्रचार के लिए गए, महाराज जी भेजे थे किसी जगह भेजे थे वहाँ प्रचार करने के लिए। प्रचार का बाद उनमें कौन कौन महाराज जी शामिल थे ये बताना जरूरी है नहीं, दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। जो कहानी है, जो विशेष सिद्धांत तो है, उसी को लेना है। समाज का आदमी हम काल भी वास्तव सत्य प्रवचन करने का पहले ही बोल दिया था, जब भी कोई आप हरि कथा कीर्तन हो उसमें ऑन्टोलॉजिकल एस्पेक्ट और मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट रहता है, किन्हीं जड़ शब्दों का ऊपर बेस करके निर्णय ले लेते हैं और किसी ने गुरु वैष्णव का पूर्ण कृपा लेने का बाद हृदय में अनुभव करते हैं ये जो बातें बोले थे इसका एक्चुअल माने क्या है। सब कोई का दिल में ये वास्तव सत्य प्रकाशित नहीं होते, संभव नहीं है। जब ही हम श्रीमद् भागवत जी महापुराण का जो श्लोक देके हमने शुरू किए हैं उसका थोड़ा बहुत हम टच करेंगे अभी, अब बाद में प्रवचन खत्म करने का पहले थोड़ा कंक्लूजन ड्रॉ करना है, उसमें क्या माने क्या है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय खियन्ते च स्वकर्माणि दृष्टानेव आत्मनिष्ठे। जब तक वास्तव सत्य वस्तु का दर्शन ना हो जाए, जब तक वास्तव सत्य वस्तु का दर्शन ना हो जाए, हृदय में जो ग्रंथि हैं नाट बंधन है, वो बंधन किसी भी हालत से छूटने वाला नहीं है। हृदय में जो बंधन है वो किसी भी हालत से छूटने वाला नहीं। भागवत जी महापुराण जी का महिमा में सुनने को मिलता है, गोकर्ण जी महाराज अपना पापों में डूबे हुए जीवात्मा धुंधुकारी को बताते समय पूछे थे तुम कौन हो,
तुम जो गौ गौ करते हो हम तुम्हारा बातें समझते नहीं है, साफा करके बोलो तुम कौन हो। और महाराज बातें योर अटेंशन प्लीज। सिलो गोकर्ण जी महाराज पूछे तुम है कौन, जैसे सब करते हो। समझ गया कि पितात्मा का बातें बोलने में बहुत कष्ट हो रहा है, कष्ट मिटाने के लिए थोड़ा बहुत पानी लिया, उसमें मंत्र लगाए और ऐसा करके छिटका दिया। और हम लोग का शास्त्रों का विचार है विष्णु उच्चारण मात्रेण कृष्ण स्वस्वरणात एगो सर्व विज्ञान या संति न संशय, देर इज नो डाउट। अगर किसी भी किस्म का समस्या है तो उसको क्या है, विष्णु 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 उच्चारण करे और कृष्ण स्वस्वरणात एव डेफिनेटली एव एफर्मेटिव संग संग क्या होता है, जितना सारे विघ्न विपद है सब मिट जाते हैं। वास्तव गुरु वैष्णव का पीछे कोई मुसीबतें नहीं रहते हैं, ये तो बनावटी है, बना लेते हैं कोई स्टोरी कुछ प्रॉब्लम खड़ा करते, वो तो हंसते हैं गुरु वैष्णव, हंसते रहते हैं, वो जानते हैं सब पीछे एक है वो जानेगा। तो गोकर्ण जी जब पानी छिटका दिए तो चिल्ला चिल्ला कर बोलना शुरू कर दिए अपना पेनफुल सिचुएशन का, अहम भाता तदीयस्मी धुंधुकारी नामतः स्वकीय नैव पापेन ब्रह्मतम नसितम मया। साफा बोल दिया देखो हम आपका ही भाई है, आपका ही भाई है, लेकिन हमारा कर्मफल इतना खराब हुआ था, इतना खराब हुआ था कि मैं को मेरे को प्रेतजनी प्राप्त हुआ और आप बचाओ, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कृपा निधे ममुद्धरो दया निधे, हे दया की सागर। गुरु वैष्णव दया की सागर होते, ये सागर कोई छोटा मोटा सागर नहीं है कि आप मेजरमेंट कर लोगे हाउ मच ब्रेथ कितना चौड़ाई है, स्पेसिफिक ओशन उसका उस पार क्या है, ये मेजरमेंट का तरीका है। लेकिन गौरी वैष्णव का बारे में जो कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्वसत्वोपकारक निष्प्रिय सर्वतः सिद्ध्यो सर्व विद्या विशारद सर्व संशय संक्षिप्ता अनलस गुरु राहित, ही इज गुरु। गुरु का डिफिनेशन हम बोले, श्रील प्रभुपाद बोलते थे, श्रील केशव गोस्वामी महाराज भी बोलते थे और श्रील वामन गोस्वामी महाराज बोलते थे, हम भी बोलते हैं गुरु इज ही हु कैन रिजर्व द राइट ऑफ नॉट बीइंग एक्सपोज टू योर सेंस ऑर्गन। तुम अपना विचार के द्वारा ओ ऐसा है ये बदमाश तो है वैष्णव, अरे महाराज जिसको वैष्णव बोल दियो हो स्वीकार कर दिए। महाप्रभु बोलते हैं जिसको वैष्णव आपका दिल में धक्का लग रहा है ये कथा कभी ये जगत का नहीं है, पड़ जगत का अपरागित, फिर भी दिल में धक्का लगने का कारण आपका सिद्धांत तो बदल गया, तो ये वैष्णव दर्शन नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं जिसको वैष्णव बोल दिया वो भी खराब है, नीचा खन्नान में पैदा हुआ, इसका ये दोष है वो दोष। रूप गोस्वामी बहुत सारे व्याख्या की, जहां तक हम गुरु वैष्णव का अनुगत्य में नहीं रहेंगे तब तक पूरा सिद्धांतों का डिस्टॉर्शन। गुरु वैष्णव को हम आंखों के द्वारा हमारा बुद्धि का तरफ वो ऐसा ही है ऐसा, उसका बाहर क्या होगा, तो मतलब आपका गुरु वैष्णव दर्शन हुआ नहीं। हम एक मिसाल दे दें आनंद लगेगा आपको, श्रील वृंदावन दास ठाकुर महाशय का नाम सुने हो, श्री चैतन्य भागवत जिन्होंने लिखे हैं, उन्होंने चैतन्य भागवत लिखते लिखते उसका बीच बीच में बार बार बोले हैं, इतना समझाने का बाद भी नित्यानंद प्रभु का महिमा गौर का महिमा महाराज कोई शास्त्रों में नहीं, यहां तक कि कृष्णो इज नॉट पैरेलल टू गौरंग महाप्रभु, नो वे। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही हैं, आई कैन प्रूव वेद से पुराण से सर जगह, लेकिन हम बोलने के लिए मजबूर हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जो करुणा है जो वही स्पेशलिटी है और कृष्ण भगवान का जो विशेष है उससे
ऊपर है। और हम अगर सच्चा बोले तो हमारा गुरुवर्गों ने बताए कृष्ण लीला श्री चैतन्य लीला इज द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ गौर लीला। गौर लीला इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ कृष्ण लीला। कृष्ण लीला को आप अपना नजर के द्वारा ये कृष्ण ऐसा करता है परों का रमणी लेकर ये बड़ा फालतू है आपने आंखों के द्वारा देखने गया। जबकि अधक्ष जो वस्तु को यू कैन नॉट मेजर, अधक्ष जो वस्तु का व्याख्या कर दे वृंदावन दास ठाकुर क्या बोला, कृष्णदास कविदास गोस्वामी क्या बोला, सारे हम मिला के आपके सामने प्रूफ करके ही उठेंगे। सिलो वृंदावन दास ठाकुर जी ने बीच बीच में बोले दुखे, अगर इतना समझाने के बाद भी किसी ने तर्क उठाया तबे लाथी मारू ता सिरे ऊपरे, उसका माथे के ऊपर हम लाथी मारेंगे। और आम आदमी ने बहुत तर्क जोड़ दिया, महाराज ये तो बेकार है, ये तो वैष्णव है, लाथी मारेंगे बोल दिए। परम भाई केशव कुसी महाराज बोलते थे हमारा सामने कुछ चमार बैठा है, इसका सामने क्या हरिकथा बोले, लड़ाई लग गया महाराज सभा में। परम भाई श्रीधर गोस्वामी महाराज थे, हम तो उस किस्म का बात नहीं बोलते, इतना भी कोई समझ नहीं पाता। थोड़ा वैष्णव का अंदर में जो तेज निकलता है, प्रभुपाद जी केशव परम भाई केशव गोस्वामी महाराज तिबिक महाराज जो वैष्णव का संत गोस्वामी महाराज, उसका तेज जो है वो सहन करने का अधिकार आपका नहीं है जब तक सच्चाई में प्रतिष्ठित ना हो। जब आप सत्य वस्तु में सच्चाई में सुप्रतिष्ठित हो तो हर वस्तु का माने आपका सामने क्लियर हो जाएगा, नहीं तो होगा। श्रीलो वृंदावन दास ठाकुर महाराज क्यों बोला लाथी मारेंगे, अगर इतना समझाने के बाद बहुत आंदोलन हुआ। हमारा गुरुवर्गों ने उसका हृदय को व्याख्या करके बता दिया, देखो आपको दुख की बात नहीं है इसमें, उन्होंने जो लाथी मारे बोला है, अगर आपका बुद्धि ऐसा सड़ गया है जो इतना समझाने के बाद ही भगवत तत्व वैष्णव तत्व गुरु तत्व को समझने के लिए तैयार नहीं है, फॉल्स आर्गुमेंट ऑलवेज गोइंग इनसाइड योर हार्ट, देन टू रेक्टिफाई यू, गुरु वैष्णव क्या करते, अपना चरण का धूली लेके माथा में दे देते, देते कि नहीं, क्यों धूली लेते हो, गुरु वैष्णव का चरण का धूली लेने का क्या मकसद है, व्हाट इज द मीनिंग, डू यू नो, अपना जो बुद्धि खराब है उस सुधर जाए। इसीलिए मोतीर न किशने परतो सतो भा मीथो विपदे तो गी हो व्रतानम अदांत गोभीर विशताम तमेश्वरम पुनः पुनः चोरवितो चार बनानम। ये सब लोगों का प्रहलाद महाराज का कहना है, ये बाद में हम चर्चा करेंगे। वृंदावन दास ठाकुर देखें, अगर ये किसी भी हालत से जड़ संसार का ये जो भोग है महाराज, ये दुर्गंध दूषित, इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो इसको हम कैसे उसको छुटाएंगे। ये जड़ जगत का जो वासनाएं हैं जो दिल में बंधन की कारण है, इसको छुटाएंगे कैसे, भले हम जोर जबरदस्ती अपना चरण की धूली उसका सर पे चरण का रख देंगे, उसको प्यूरिफाई करेंगे उसका बुद्धि को। वृंदावन दास ठाकुर श्रील कृष्णदास को विराज गोस्वामी जी ने क्या बोले हैं उसका दैन्य के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा बात उठाएंगे। श्रील कृष्णदास को विराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत का एकदम सूक्ष्म विचार प्रस्तुत किए। किसी का अगर सौभाग्य हुआ कि चैतन्य चरितामृत की व्याख्या कोई प्रतिष्ठित वैष्णवों का मुखारविंद से समझे तो बड़ा भारी है। एक दफे हुआ था ईश्वरपुरी पाद कुछ लेखनी लिखे कृष्ण लीला का ऊपर, नवद्वीप धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु तब गौरांग रूप में थे, निमाई पंडित तो जाने माने पंडित है। ईश्वरपुरी पाद जी ने बोले कि मेरा ये जो लेखनी है इसमें क्या क्या गलती है, थोड़ा कृपा करके आप बता दो, ये पढ़ के देखना, हमने कृष्ण लीला में तो लिखे है। चैतन्य महाप्रभु बड़ा हंसे, बोले देखो इसका ऊपर हम क्या विचार करेंगे, ये तो आप ईश्वरपुरी पाद है, भक्तों का कोई रचना में कोई दोष दर्शन का कोई सवालत ना है, कोई प्रश्न नहीं आता क्योंकि भक्त तो कोई गलती नहीं करता,
लेकिन मेटेरियल आदि मतलब वैष्णव ने गलती की, ये किया वो किया, हजारों दोष निकाल देंगे। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सुंदर बताए उसका कई परिचय, हम एक बताते हैं। वैगुण्य कीच कलित पैशून्य व्रण पूरित दैनार नवे निमग्न हम श्री चैतन्य वैद्यमाश्रय। हमारे अंतकरण को खा गया, जैसे कीड़े खा लेता है बुक्स, किताबों को कीड़े खा लेता है। हमारा हालत बहुत खराब है, और पशु वृत्ति, हमारा अंदर में जो पशु वृत्ति है, जैसे व्रण होता है ना, यहाँ व्रण होता है ना गाल में, व्रण बोलता है ना, ये व्रण निकलता है दुष्टो फोड़ा, ऐसा मापी हमारा जो कैरेक्टर लूज कैरेक्टर, इट इज एक्सपोजिंग थ्रू माई बिहेवियर, हमारे आचरण के द्वारा, हमारा उठने बैठने का साथ साथ हमारा क्या दुर्गम दूषित अंतकरण है एक्सपोज हो जाता है। अब हमारा प्रश्न है, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जो ये परिचय दिया है, ये सच्चा परिचय है? जो बोलते हैं हमारा अंतकरण एकदम खत्म हो गया, हम पशु वृत्ति से भरपूर है, क्या हम मान लेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसा ही है? क्यों, ये तो राधा रानी का कस्तूरी मंजूरी है, ये तो दैन्य करके लिखा है। यहां तक कि बताते हैं, जगाई मादाई होते मुई से पापिष्ठो पुरुषेर कीट होते मुई से लघिष्ठ, जगाई मादाई होते मुई से पापिष्ठ पुरुषेर कीट होते मुई से लघिष्ठ। मोर नाम जेई लय तार पाप है, मोर नाम जेई सुने तार पुण्य क्षय। समझ में आया बांग्ला में, जब भी मेरा नाम जो सुने, इतना घृणित आदमी हो, पतित हो, ये मेरा नाम जो सुने उसका पुण्य क्षय हो जाता है, जो मेरा नाम को जवान पे लेते हैं उसका पाप हो जाता है, और टट्टी का जो कीड़े होते हैं उससे भी मैं गिरे हुए हूं। नाउ पॉइंट इज दैट, ये दोनों पेश करने का साथ साथ हम क्या समझ लेंगे कि वो सचमुच ऐसा है? पोपा जी ने बोलते हैं ये अपना परिचय को ऐसा ढंग से दिया है, इसका मतलब तो ये नहीं कि इसको हम इसी नजर से देखें, उसको दोइन्य करके दिए हैं। जड़ जगत का आदमी बोलते हैं ऐसा कैसा किस्म का दैन्य है, दैन्य है, हमने तो सुना नहीं ऐसा किस्म का दैन्य कभी, ये तो एग्जैगरेटेड है, ये बढ़ा चढ़ा के बोला है, ये संभव नहीं है, बोलते हैं जड़ जगत का आदमी, ये भी कोई दैन्य का प्रकाश हुआ। वैष्णव लोग व्याख्या करते हैं तो देखो, आप अहंकार की संसार में डूबे हुए हो, हाउ यू कैन पास एनी रिमार्क अबाउट द पर्सनैलिटी हु इज ऑलरेडी डिप इन टू द ओशन ऑफ प्रेमा। जिन्होंने भागवत प्रेम में डूबे हुए हैं उसका बारे में तुम्हारा कितना साहस है तुम उसका बारे में कोई रिमार्क लिख दो पेपर में, पन्ना में जजमेंट लिख दो, कैसा संभव है? जबकि तुम खुद बोलते हो हम अहंकार की सागर में है, बद्ध अवस्था में है, तो बद्ध अवस्था में तुम तो खुद ही बोलते हो, बद्ध अवस्था में तो जजमेंट परफेक्ट नहीं होता, शास्त्रकार ने बताए बद्ध अवस्था में जजमेंट किसी भी हालत से उसका दर्शन ठीक नहीं होता, तो कैसे दर्शन होगा? हमारा कहने का मतलब है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब बोले हम टट्टी का कीड़े से भी गिरे हुए हैं, और श्रील वृंदावन दास ठाकुर महाशय जब बोले इतना समझाने का बाद भी अगर नहीं समझे तो अबे लाथी मारू तार सिरे रोपुरे, ये जो दो किस्म का बात है सेम मीनिंग है, समझा नहीं? ये बोलते हैं हम टट्टी का कीड़े से भी गिरे हुए, ये बोलते हैं इतना समझाने का बाद भी समझे नहीं तो उसका सर पे हम लाथी मार के उसको कृपा करें। ये दोनों का जो भाव है, इसका अल्टीमेट जो भाव है, ये एक किस्म का है। वो बोलते हैं हम कीड़े से गिरे हुए चट्टी का, ये बोलते हैं लाथी मारेंगे, आप बोलेंगे इसका अहंकार है, इसका दैन्य है। जैसे प्रभुपाद जी को बड़ा भारी आंदोलन किया प्रभुपाद जी का बात लेकर, जिंदगी भर, यहां तक कि भक्तिविनोद ठाकुर जैसा ठाकुर जी का अपना आदमी है कमल मंजूर, उसका बारे में भी प्रभुपाद का सामने शिकायत आया। ये 1994 श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने जगत से चले गए, और जाने का 6 महीना एक साल भी हुआ नहीं, तरह तरह का विस्तार, तरह तरह का विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। मेटेरियल आदमी, जड़ जगत का आदमी बोलते हैं श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर देखो ये सब अप्रूव करते थे, आप कौन सी महात्मा हो ये सब अप्रूव करते नहीं हो,
अरे हमने खोद देखे, तुमने खोद देखो, आई हैव सीन माई सेल्फ, दैट इज योर फॉल्स प्राउड। इसको ब्रेक करो, जब तक इसको ब्रेक नहीं करोगे हरिकथा सुनने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारा पोजीशन, तुम्हारा जो कुछ भी है हरिकथा सुनने का योग्यता आएगा नहीं। जब आप मेजरमेंट के लिए बैठे गए, वैष्णव कुछ गलती कर दिया कि ठीक कर दिया, तो वैष्णव दर्शन तो उदा ही खत्म हो गया। प्रभुपाद को बोलते थे वहां लीला कीर्तन अप्रूव करते थे भक्ति विनोद ठाकुर, हमने देखे हैं बड़ा मजा मस्ती कीर्तन करते हैं, और आप बोलते हो ऐसा करना माना है। तो प्रभुपाद जी ने बड़ा दुख भरी हृदय लेके बोले, देखो ये जो महापुरुष का अंतकरण है ये समझने का अधिकार आपका नहीं है, ये समझने का अधिकार आपका हुआ नहीं। क्यों? आपने जानते नहीं सिसिला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जिंदगी में कभी भी शुद्ध भक्ति छोड़कर मिलावट का उपश्रय नहीं दिया भक्ति विनोद ठाकुर, जबकि आप इसका बारे में इल्जाम उठा रहे हो कि भक्ति विनोद ठाकुर ने खुद लीला कीर्तन को कराए हैं। हमने देखे मिन्नापुर से इधर उधर से आदमी बुलाए और खूब खोल करताल बाजे, उसको सहजिया है, विशुद्ध भक्ति नहीं है लोगों का अंदर, मिलावट है, उसको देखे कीर्तन करा। प्रभुपाद जी ने बोले देखो सुन लो मेरा सिद्धांत, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उस समय क्या करते थे, बोले भक्ति विनोद ठाकुर आसन में बैठ के माला करते थे, आंखें मुझको ऐसा करके आंखें मुझको झूमते थे नशे में, बोले हम व्याख्या कर देते इसका माने हैं। शिला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर अगर किसी को बुलाए हमारे सामने आ जा शुद्ध भक्ति का बारे में सुन ले आ जा, आएगा नहीं। सब चाय का दुकान में अड्डा लगा रहे हैं, चाय पी रहे, कॉफी पी रहे हैं, मजा मस्ती कर रहे हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, बट दे डोंट नो दैट वी आर गोइंग टू डाई शॉर्टली टुडे और टुमोरो। व्हेन योर डेथ कैन कम यू कैन नॉट कैलकुलेट, कोई किस्म का एस्टिमेशन आपका जिंदगी में चलेगा नहीं। कान खोलकर सोड़ लो ये बात, जब आपका जिंदगी में कोई सियोरिटी नहीं है तो किस बात के लिए यू आर वेस्टिंग योर टाइम, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो जड़ जगत का मजा मस्ती में, इस विचार में इधर उधर सब कमाई करो। इतना देव देवी का उदाहरण अर्चन करके, हमने तो देव देवी को कभी अपमान नहीं करते, कभी अपमान नहीं करते, लेकिन बात भागवत का एक श्लोक है सुन लो तो अक्केल होगा आपका। भागवत में बोला है, भागवत में लिखा हुआ है, जथा तरोर मोल निसेचने तिप्पन्ति तस्कंद भुजोपसाका प्राणोपहारस्य यथेन्द्रियाणि तथैव अरहरणम अच्युतेज्या। भगवान श्री कृष्ण का अच्युत का अर्चन कर लो तो उसमें सारे देव देवता का अर्चन ऑटोमेटिकली डन, बट यू आर सो फुल यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, यू आर रनिंग हियर एंड देयर टू गेट सम एडवाइस फ्रॉम मेटीरियल पीपल। They deserve that we are Pandit. Actually, Pandit का क्या definition है? कोई है इधर बताओ? कोई है तो बताओ Pandit का definition क्या है? जबकि भगवान उद्धव जी को साक्षात बता दिए पंडितो बंध बक्षबिद, वो तो पंडित है जो जिसमें इसमें बंधन होगा मेरा इसमें बंधन छूट जाएगा, जिसका पूरा नॉलेज है उसको ही भगवान श्री कृष्ण परात्पर अखिलेश्वर पंडित बोला। पंडित मतलब ये नहीं थोड़ा बहुत वेदांतों का सूत्र मुखस्त कर दिया, व्याकरण पर लिया और समाज में दिखा दिया, देखो हम क्या क्या बड़ा पंडित। व्हाट पीपल कैन अचीव फ्रॉम यू, तुमसे जड़ जगत का आदमी क्या लाभ उठा सकता है? अरे एक लिखा पढ़ा बिना लिखा पढ़ा एक महात्मा आ जाए वृंदावन से और तुम्हारा पर आशीर्वाद कर दे, बाबा नंगा बाबा है कुछ नहीं है आगे पीछे, वो आशीर्वाद कर दे चल तेरा संसार छूट जाएगा, आशीर्वाद रहा मेरा, तू समझ पाएगा कि गोविंद कौन है, अच्युत कौन है, अच्युत नाम क्या व्याख्या क्या है, अच्युत ए नाम हु इज नेवर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हिज ओन पोजीशन, जो अपना पोजीशन से कभी डिस्प्लेस्ड नहीं होते। बड़ा बड़ा सिद्ध महात्मा हमने देखे हैं, प्रतिष्ठा का खातिर ऐसा हालत हो गया कि फिर पतन हो गया, यहां तक कि ब्रह्मा जी बताते हैं हम कौन होते हैं आपका सामने ये सब बताने का, हम तो गुरुवर्गों का सिद्धांत तो बता रहे हैं, कोई भी एक बना के हम नहीं बोला, चाहे कुछ भी हमारे ऊपर आ जाए इल्जाम हम डरते नहीं हैं, ब्रह्मा जी बताए
अथा पिते पदम मुजोद्वयो प्रसाद लेश अनुग्रहित एव ही जनाति तत्त्वम भगवान महिन्नो न च अन्यम एकोपिचिरम विचिन्वन। अनंत काल विचार करते करते भी भगवत चरण का महिमा आपको समझ में नहीं आ गया। ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं जब तक आपका चरण का कृपा ना हो जाए तब तक ये तत्व में अनुप्रवेश किसी का नहीं हो सकता, संभव नहीं। तर्क वितर्क उठाए कुछ भी उठाए उसमें भगवान स्वयं बताए ज्ञाने प्रयास मुदपश्च नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतम भवदीय वार्ताम सने स्थिता सुतिगताम तनुवांग मनोभीर जे प्रायसो अजीतो जीतो पियोसी त्रैलोक्याम। ये हमने नहीं ब्रह्मा जी बताए। ठाकुर जी हम तो बहुत लात खाया, अपना अंदर में जो अहंकार अभिमान है इसके द्वारा इतना हमारा नुकसान हुआ। आज आपका सामने विनती है हम अपना लॉजिकल इंटरप्रिटेशन का मैं थोकर छूड़ फेंक के बाहर फेंक देंगे। हमारा जो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन हमारा विचार पद्धति है उसको लात लगा के फेंक देंगे दूर से। उसका आधार पर हमने आपका तत्व को विचार नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे भले पहुंचे हुए संत महात्मा चाहे आदमी कुछ भी बोले ठाकुर जी प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर जिसको अप्रूव किया जिसके जवान में परम सत्य वस्तु निकल रहे हैं जिसका कोई चिंता नहीं कि जड़ जगत का आदमी हमको प्रतिष्ठा दे या ना दे। हम अच्छी तरह मीठे में मीठा मीठा बात जानते इतना मीठा बात जानते कि आप लोगों को मोहित कर देंगे। लेकिन ये हमारा क्या है सच्चापन होगा हम वो हमारा प्रतिष्ठा का विषय को जलांजलि देकर निष्ठुर सत्यवाद को आपका सामने पेश कर दिए कि आप हमको ठीक समझे कि भूल समझे लेकिन सच्चा बात रख दिया। यह अच्छा है कि हम आपको चीटिंग करते। प्रभुपाद अक्सर बोलते थे इन द नेम ऑफ हरि कीर्तन हरि कथा दोज आर चीटिंग द होल सोसाइटी वी कॉमन पीपल वांट टू बी चीटेड बाय देम दैट्स व्हाई वी आर चीटेड। तुम खुद चीटेड होना चाहते हो इसलिए बाजार में जाते हो। तुम्हारा हिम्मत नहीं है परम सत्व वस्तु का सामने खड़ा होके सर को खोल के ऊंचा करके बोलो हाँ महाराज मारो लाथी हम सहन करेंगे लेकिन अंतिम में तो आपका कृपा मिलेगा। कोई किस्म का गुंजाइश नहीं चलता डिवोशनम लाइन में कोई किस्म का गुंजाइश नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो डिवोशनल लाइन में नहीं है डिवोशनल लाइन में नहीं है। यह ऐसा ही लाइन है जिसमें डिवाइन डिस्पेंशन उसमें कोई आप उसमें कुछ अमेंडमेंट करोगे चलेगा नहीं। जो निकल गया जवान से वो आपका लिए गुरुजी वैष्णव ने ऊपर से भगवान ने निकाला शब्द ब्रह्म को इसीलिए तो बैठा है। व्यासदीप जी का जवान से गलती निकल गया तो ये आपका क्या शुद्धि है बुद्धि। व्यासदीप खुद गलत बोल दिया व्यासदीप स्वयं भ्रांत है व्यासदीप स्वयं भ्रांत है शंकर संप्रदाय बोलते हैं और फिर बैस जी का पूजा भी करते हैं। जो स्वयं भ्रांत है वो कैसे आपको सत्य वस्तु बोलेगा आप बताओ। जो स्वयं भ्रांत है बैस जी को बोलते हैं वो भ्रांत है तो गुरु वैष्णव भ्रांत हो गया उल्टा कर रहे हैं तो आपका बैस गद्दी का दर्शन बड़ा ऊंचा हुआ बैस गद्दी का दर्शन आपका पूर्ण हुआ। लेकिन अब अगर प्रश्न करते हैं कि इस बात को क्यों खोला तो उसमें आपका सामने आ जाता करुणामय हृदय का एक झलक प्रकाश आप सामने प्रकाशित हो जाता कितना करुणा है कि उसको झूठा बोल के उसको ठगने का इच्छा नहीं है। आम आदमी ठगना चाहते हैं इसलिए वो ठगते हैं जबकि भागवत का श्लोक में हम अभी व्याख्या किए जैसे पेड़ पौधा ए व्हाई आर डिस्कसिंग सुनो हरि कथा बात करते हो क्यों आते हैं इधर। जथा तरण मुन लिसे चुनेना ये जो श्लोक बोला इसमें पेड़ पौधा इसके जड़ में आप पानी देते हो है कि नहीं
कोई बोका तो ऐसा नहीं कि पेड़ का सीढ़ी लगा कर ऊपर उठे और पत्ता पत्ता में डाल कांड में पानी दिए, ऐसा कोई है फुलिश? ऐसा तो है नहीं। तो जैसे नारद जी बोले, जैसे तरर मूल निषेचने न तिप्पन्ति तत्स्कंद भुजो पोशाखा, पेड़ का मूल में पानी देने से सारे वृक्ष की हरा भरा हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरा वृक्ष का कोने कोने में आपका फोटोसिंथेसिस जो है सब हो जाएगा, पानी चला जाएगा, आपको अलग अलग करके पानी देने का दरकार नहीं। लेकिन यह बात किसी ने व्याख्या किया हरिद्वार में या वाराणसी में ये सच्चा बात को? जो नारद जी ने बताया भक्ति जगत का आचार जो है उन्होंने जो बताया और भगवान जी ने जो बताया पंडितो बंधम अक्षबित, ये सब कोई व्याख्या किया? रावण जी वो भी व्याख्या करते थे शास्त्र का, हिरण्यकशिपु वो भी शास्त्र का एक एक श्लोक उठाकर व्याख्या करते थे, बट दोज इंटरप्रिटेशन ऑल नेगेटिव एक्सप्लेनेशन। समझा मेरा बात? इसलिए बताया गया असुर लोग राक्षस लोग कभी कभी शास्त्र से उदाहरण लेकर अपना जो घटिया दुर्गंध दूषित हृदय है, अपना जो एक्टिविटीज है इसको अप्रूव करा लेना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू गेट इट अप्रूव्ड बाय सम श्लोका फ्रॉम भागवत और रामायण एनी वे। फॉलो माई पॉइंट? ये रावण है, हिरण्यकशिपु है, ये सब भी श्लोक शास्त्रों का प्रवचन करते हैं, लेकिन उसका धंधा है कि ऐसे प्रवचन लगा है कि वो प्रवचन के द्वारा भागवत का गीता का सबका श्लोक हम बताएंगे, लेकिन उसमें ऐसा व्याख्या करेंगे तो हमारा रॉन्ग एक्टिविटी, हमारा असुरत्व, हम जो इतना बड़ा असुर है इसको अप्रूव हो जाए। समझा मेरा बात? होल समाज कैन अप्रूव इट। ओ ठीक ही तो बोलता है, शास्त्र में तो लिखा हुआ है। शास्त्र में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हुआ है आप ही अगर समझो तो हमारा आने का क्या दरकार था? यू कैन बाई एनी बुक्स एंड यू कैन रीड। जाओ बाजार में जाओ, कोई किताब को खरीद लो और पढ़ के वो पंडित बन जाओ और व्याख्या कर दो। जबकि ये विचार है कि जथा वृक्षों का जड़ में पानी देने से सब हरा भरा हो जाता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण तमाम जगत का कृष्णम बंदे जगत गुरुम, कृष्ण ही जगत मूल, इसका ऊपर इसका वंदना इसका अर्चन इसका कुछ भी कर दो पूजन, उसमें आपका सारे देव देवता का सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि कृष्ण में ही अनंत जगत का विश्राम है। समझा मेरा बात? अनंत जगत का विश्राम है कृष्ण में, कोई देव देवता में नहीं है। तो कृष्ण के सेटिस्फाई करो तो ऑटोमेटिक, जैसे आपका एक बच्चा है, बच्चा को किसी ने प्यार कर लिया थोड़ा लेके नन्हे मुन्ने बच्चे, तो मैया का बड़ा खुश होते हैं, होते ना? इसीलिए तो शंकर भगवान जी ने पार्वती मैया को बताए आराधनानं विष्णु आराधनानं परम तस्मात परतरम देवी तोदियानम समर्चनम, कि तो ये बात तो हमारा दिमाग में सा आया नहीं, हमने तो श्लोक को दौड़ाया लेकिन इसमें क्या माने होता है? भगवान को छोड़ो, भगवान को छोड़ के वैष्णवों को जिसका हृदय में साक्षात भगवान है उसको करो, जगत का बात मत सुनो, उसमें कोई लाभ नहीं होगा। देखोगे तो आप मालामाल हो जाओगे, लेकिन आपका जड़ जगत का कोई फैसिलिटी है तो उसमें होगा नहीं। प्रभुपाद बोलते थे गुरु वैष्णवों का विचार का साथ बद्ध जीवों का विचार का टक्कर लगता है, धक्का, बिकॉज ये एक तरफ जाता है और वो लोग इस तरफ आता है। समझा मेरा बात? गुरु वैष्णवों का विचार का स्वाद जड़ जगत का विचार का टक्कर अर्थात कल्यूशन संघर्ष होगा ही होगा, ये मानेंगे नहीं। भागवत में बड़ा बड़ा श्लोक है, हमने बताने का टाइम नहीं मिला आपको, दो एक मिसाल दे के हम छोड़ेंगे। हमको गलत मत समझना, आप सभी का चरणों में मेरा प्रार्थना है, मैं गुरु वैष्णव का दास हूं, दास होने का नाते आपका सामने सच्चाई को पेश करने का हमारा आदेश हुआ तो हम रख दिए, इसमें अगर गलत समझे तो इसमें हमारा कुछ नहीं है। एक मिसाल दे दें, एक गृहस्थी घर में एक पिताजी बड़ा बीमार है, इतना बीमार है तो उसको शरीर कब छूट जाए कोई ठिकाना है नहीं। तो बेटे रात का टाइम में देखे जो डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत दूर रहते हैं,
अभी जो हालत पैदा हुआ, अभी बगल में कोई इंपॉर्टेंट डॉक्टर है, इसका फीस जितना भी हो, रुपया से मतलब नहीं, जितना भी रुपया लगे, रात 2 बजे का टाइम में हम उसको बुला के लाएंगे जरूर, बोल के खिड़की खोल के भागे और जाके डॉक्टर जी का उधर जाके रोने लगे और धक्काने लगे। उसका बाद डॉक्टर बोले, रिस्पांस दे, कौन है? बोला, हम हैं, आपका एक मरीज है, मरने वाला है, आप तो डॉक्टर है, प्राण देने वाले हो, आप थोड़ा आ जाओ, तो मेरा पिताजी मरने वाला है। तो डॉक्टर ने बोले, क्या करे, ठीक है चलो, रात का टाइम में आया है नींद आराम करने के लिए, फिर भी उसका प्रॉमिस रहता है, कमिटमेंट रहता है डॉक्टर का, जाना ही पड़ेगा, अगर ना गया उसका बारे में केस भी हो सकता। हम अगर सच्चा प्रपोजल नहीं किया तो हमारा गुरुवर्गों ने हमारे विरुद्ध में केस कर देंगे, अप्राकृत अदालत है, प्रभुपाद जी ये सब लिखे हैं, केशव गोस्वामी इसको प्रकाश किए थे, छोटा सा ट्रियाटाइस, इतना छोटा सा बुक, उसमें आंदोलन होते हैं, कौन वकील है, कौन चेयरमैन है, इतना मजा करके प्रभुपाद जी बोले, पढ़ो तो शर्म आएगा। और फिर उधर क्या हुआ, डॉक्टर को पैर पकड़ के लेके गया, मेरा पिताजी को बचाओ, आओ, आ गया। अब पूरा बोले, क्या केस हिस्ट्री है उसको हमको दिखाओ, बोले थोड़ा बहुत केस हिस्ट्री दिखा दिया, सारे विचार करके देखे तो पहले रोग का जो सिम्टम है ऐसा था, इस तरह होते होते ऐसा ऐसा मोड़ लिया डिजीज, तो उन्होंने चार किया, अपना प्रेस्क्रिप्शन लिख दिया ऐसे, प्रेस्क्रिप्शन लिखने का बाद और लड़का को बोला, तुम एक काम करो, ये दवा को अभी लाओ, लाइफ सेविंग दवा है। तो पुत्र ने, शिक्षित है, उन्हें दवा को पढ़ लिया, पढ़ने का बाद बोले, डॉक्टर जी ये जो दूसरा दवा लिखे हैं वो तो लगता है पहले वाला डॉक्टर जो देता था वो तो इससे ज़्यादा अच्छा है, आप ये क्यों दिया, अच्छा है कि उसको काट के उसको चेंज कर दो। डॉक्टर ने वोरा गुस्सा हुआ, फायरिंग हो गया, यू डॉक्टर और मी डॉक्टर, हु डॉक्टर, बोले क्यों आप है, तो हम जो डॉक्टर हैं, हमारा जो जजमेंट है, हमने पेपर में लिख दिया तुमको, तुम्हारा विश्वास नहीं तो व्हाई यू कॉल मी, बोले हम तो आपको 1000 रुपया फीस दे रहे हैं, इसलिए हमारा कहना मानोगे नहीं, नहीं मानेगा, तुम प्रणामी दो, कुछ भी दो, कुछ भी दो, गुरु वैष्णव स्वतंत्र है, वो तुम्हारा कहना नहीं मानेगा, वो जो बोला है उसको ही मानना पड़ेगा, उसको ठोकर मारो तो जिंदगी में देख लेना कैसा धक्का आता है जिंदगी में, ये भजन जीवन है, ये जड़ जगत का कोई विषय नहीं है, कोई विषय नहीं है जड़ जगत का, इसीलिए भिद्दते हृदय ग्रंथी, हृदय ग्रंथी को एकदम काट फाट कर एकदम शेष कर दो, भिद्दते हृदय ग्रंथी छिद्दन्ते सर्व संशया, सर्व जितना किस्म का डाउट्स अपना आंदन में, वैष्णवों का बारे में जितना सारे डाउट्स है, इसका क्रोध है महाराज, ये है क्रोध, मतलब इसका मतलब उसका आंदन में तमगुण है, तो वो घुमाकर आपने उसको अपमान कर दिया, इसका भी रिएक्शन आएगा, किसी ने अगर उसके लिए केशव गोस्वामी महाराज को बोला बड़ा गुस्सेदार साधु है, अरे साधु भी बोला वो भी गुस्सेदार होते है, वो करुणामय तो हृदय में संभव नहीं है, ये सब जजमेंट उचित नहीं है। तो अंतिम में क्या हुआ, सारे डॉक्टर ने बोले हमको अगर मानो, डॉक्टर मानते हो तो हमारा विचार को लेना पड़ेगा, नहीं तो आप अपना रास्ता देखो हम चले, तो 1000 रुपया फीस भी दो, कुछ भी दो, फैसिलिटीज दो, वो उसका पीछे दौड़ेगा नहीं, उसका रखवाले भगवान है। ये बात को कोई कोई आदमी उल्टा समझते हैं। सिर्फ प्रभुपाद जी ने प्रचार के लिए गया था कभी, कभी गया था, लेकिन प्रभुपाद जी का जिंदगी में ऐसा आदेश आया तुमको प्रचार करना पड़ेगा, तो जाना पड़ा, गुरु वैष्णव का आदेश जाना पड़े ना, जाना पड़ा, और तब जब जाना पड़ा उसका सारा पृथ्वी में प्रचार हो गया। क्या गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज किसी जगह प्रचार के लिए गया, हमारा थोड़ा प्रचार करा दो आप, हम थोड़ा लिखा पढ़ा नहीं जानते, गिरे हुए आप प्रचार करा दो, ये तो एक किस्म का मायावादी सिद्धांत तो है, मेजरमेंट प्रभुपाद जी ने बोलते, हम नहीं बताया, ये विचार कहां से आया, जब आप जानते हो गुरु वैष्णव स्वयं सिद्ध तत्व है तो उसको फिर आप जजमेंट करोगे तो क्या है, मायावादी सिद्धांत तो है हृदय में, वो तो पूरा प्रभुपाद बोलते हैं, बहुत सारे बात हम बताने का टाइम नहीं है, अभी महाराज जी बताएंगे,
तो बात यह है कि प्रभुपाद जी फिर भी प्रचार के लिए गए। स्वर्ग गोस्वामी किसी जगह पृथ्वी का प्रांत में गया गया कभी? लेकिन इसका बात कोने कोने में है ना, कोने कोने में फैल गया। उससे भला प्रचारक कौन हो सकता बोलो? स्वर्ग गोस्वामी का ऊपर गया कभी पृथ्वी का कोई देश में? साक्षात भगवान का निजी जन प्रभुपाद जी ने गए, प्रचार कैसे हुआ? तो फिर हम बड़ा आया प्रचार करने वाला, हम आप लोगों का सेटिस्फेक्शन का बारे में यहां बैठे नहीं, हम आप लोगों को कुछ सेटिस्फेक्शन देंगे। व्हाई नॉट यू गो टू ए टेलीविजन स्टार? आप अगर एंजॉयमेंट चाहते हो, मजाक चाहते हो, आप हमारा प्रोविजन में क्यों आए हो? हमारा प्रोविजन तो आपका अंदर का जो गंदगी है उसको काट कर आपको शुद्ध अवस्था में पहुंचने वाला। व्हाई यू आर कमिंग टू मी? आप सिनेमा स्टार का पास जाओ, टीवी स्टार का पास, दिल बहल जाएगा, थोड़ा नाचना कूदना हो जाएगा। वृंदावन में बहुत हरिकथा चलता है, झूमता है, मलाई खाते हैं और बोलते कैसा देखो कीर्तन करता है गोसाई, खूब सुनो और नरक में जाओ। हमारा कोई इतराज नहीं है, सच्चा सुनना है तो हमको बुलाना पड़ेगा, हम भी आएंगे। उल्टा सीधा पूरा बुद्धि सब छोड़ो, हमारा कोई ख्वाहिश नहीं है अब लोगों से कुछ लेने का, तो हम ही सच्चाई बताएंगे। इच्छा है तो बुलाओगे, नहीं तो नहीं। अर समय टाइम भी कम है, कहाँ का टाइम है हमारा। बांछा कल्पो दुर्भोष्य के पास सिंध व्यवस्था।